सहज ध्यान रहो गुरु के वचन समाई हो, मिली सृष्टि चराचित राखहु रहो दृष्टि लव लाई हो, जस दुख देख रहो यह अवसर अस सुख होई है पाए हो, जो खुटकार बेग नहीं लागे हृदय निवारहु कोहु हो, मुक्ति की डोर गाढ़ जनि खेचहु तब बझियें बढ़ रहु हो, मनवही कहो रहो मन मारे खिजवा खीज न बोले हो, मानु मीत मितयो न छोड़े कमऊ गांठ न खोले हो। सहज ध्यान रहो गुरु के वचन समाई हो। सद्गुरु कबीर अपने श्रोताओं को, जिज्ञासुओं को, साधकों को निर्देश करते हुए कहते हैं कि तुम सब सहज ध्यान में रहो। दोहराते हुए फिर कहते हैं कि सहज ध्यान में ही रहो और गुरु के वचनों में लीन हो जाओ। इसमें पहली बात है सहज ध्यान में रहना। इसी सहज ध्यान को सद्गुरु कबीर ने अन्यत्र सहज समाधि कहा है। सहज समाधि उन मुनि जागे सहज मिले रघुराई, ये बीजक के शब्द प्रकरण में आया है और प्रसिद्ध भजन उनका है संतों सहज समाधि भली। सहज समाधि और सहज ध्यान दोनों एक ही बात है। सहज का अर्थ होता है स्वाभाविक प्राकृतिक, जिसमें किसी प्रकार की कोई बनावट न हो, जिसमें कोई आरोपण न हो, वह सहज है स्वाभाविक। बाहर से कुछ भी पकड़ना अस्वाभाविक है, क्योंकि जो पकड़ेंगे वह छूटेगा। तो जहाँ पकड़ना है वहाँ छूटना है, फिर वो स्वाभाविक कैसे हुआ? बाहर के जितने भी विषय हैं, चाहे स्थूल भोग हो या अन्य और कुछ, सब असहज है, क्योंकि कोई भी विषय, कोई भी भोग, बाहर का कोई भी प्राणी या पदार्थ हमारा स्वरूप नहीं हो सकते। वे सब हमसे अलग हैं, और जो अपने से अलग है अपना स्वरूप हो नहीं सकता, वो सहज कैसे होगा? सब असहज है, बाहर से आरोपित मान मान कर हम उससे अपने आप को जोड़ लेते हैं। सारे विषयों का त्याग करने के बाद जो शेष रह जाता है वही अपना सहज स्वरूप है। साहब ने साखी ग्रंथ में ही कहा है, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्हे कोय, जा सहजे विथिया तजे, सहज कहावे सोए। तो सहज ध्यान जिसमें कोई आरोपण ना हो, कोई पकड़ ना हो, और वह है आत्मस्थिति। बाहर हम जब किसी चीज को पकड़ते हैं, चाहे वह स्थूल पदार्थ हो या मन की मान्यता और कल्पना हो, तब हम अपने आप से दूर हट जाते हैं, अपने आप से वियुक्त हो जाते हैं। वियुक्त होने का अर्थ है क्या? अपने आप को भूल जाते हैं, आत्मस्थिति नहीं रहती है, इसलिए वह असहज हो जाता है। और यही व्यक्ति के भटकने का, दुख पाने का कारण बनता है। इसी सहज ध्यान को ही ध्यानम निर्विषयम मनः कहा गया है सांख्य दर्शन में। ध्यान क्या है?
मन का निर्विषय हो जाना, और निर्विषय ही सहज है क्योंकि जीव के स्वरूप में कोई विषय नहीं है। जीव का स्वरूप निर्विषय है, विषयातीत है, लेकिन मन प्रायः किसी न किसी विषय का चिंतन करता रहता है। विषय मतलब पदार्थ, प्राणी, संकल्पों में डूबे रहना, यादगिरियों में डूबे रहना, यह विषय ग्रहण करना है। कोई याद ना हो मन में, कोई संकल्प ना हो, कोई विचार ना हो, निसंकल्प दशा, जिसे गुरुजी कहा करते हैं निर्विचार दशा, कोई विचार नहीं, यह सहज समाधि है। जब किसी प्रकार का बाहरी कोई विचार नहीं है, संकल्प नहीं है, तो अपने आप में स्थिति है। लेकिन कोई भी व्यक्ति 24 घंटे निर्विचार दशा में रह नहीं सकता है। निर्विचार दशा, निर्विषय दशा, निर्संकल्प दशा कुछ समय ही रहती है, क्योंकि जीवन के साथ जीवन का व्यवहार लगा हुआ है, और व्यवहार बिना विचार के हो नहीं सकता। बिना सोचे व्यवहार कैसे होगा? लेकिन व्यवहार दशा में मैं निर्वाह का काम धंधा करते हुए निर्विकार रहना, मन में किसी प्रकार का कोई विकार ना आने देना, मन को देखते रहना कि मन में कोई विकार ना आने पाए, इसे व्यवहार काल की समाधि कही जा सकती है। इसको ही साहब जी सहज साधना कहते हैं। जो साधना हर समय चलती रहे, हर जगह चल सके, खेत में, खलिहान में, पूजा गृह में, टट्टी घर में, सड़क में, दफ्तर में, दुकान में, कहीं भी जो चल सके, वह सहज साधना है। अब वह क्या है? अपने मन को देखते रहना कि मन में किसी प्रकार का कोई विकार ना आने पाए, मन में किसी प्रकार की कोई मलिनता ना आने पाए। और जिसके मन में कोई विकार नहीं आता है, कोई मलिनता नहीं आती है, वही सहज ध्यान निर्विचार दशा में पहुंच सकता है। मन की मलिनता, मन के विकार ही कारण है ध्यान लगने के। लोग कहते हैं कि आप ध्यान में मन नहीं लगता, तो कोई भी हो, किसी मत का साधक हो, साधु हो, गृहस्थ हो, जितनी मलिनता मन में रहेगी, जितना मन विकारी रहेगा, उतना मन चंचल रहेगा। और मन चंचल है तो ध्यान लगने की कोई बात ही नहीं है। तो व्यवहार काल में मन का निर्विकार रहना, निर्मल रहना, यह व्यवहार काल की समाधि कही जा सकती है, सहज साधना। और अभ्यास काल में मन का निर्विचार हो जाना, संकल्प हो जाना, निर्विषय हो जाना, यह अभ्यास काल की सहज समाधि या अभ्यास काल का सहज ध्यान है। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने के लिए भी साधना काल के प्रारंभ में कोई न कोई आलंबन लेना होता है। भले मन को हम निर्विकार बनाए, निर्मल बनाए, तो उसके लिए भी तो वो एक आलंबन की जरूरत होगी। तो साधना प्रारंभिक काल में कोई आलंबन लेना होता है, नाद का, बिंदु का, ज्योति का, श्वास का, किसी महापुरुष के चित्र का, या मन की और कोई एक मान्यता बनाकर उसमें अपने मन को रोकना पड़ता है, मन को जोड़ना पड़ता है। मन को एकाग्र करना ये पहला काम होता है, और मन को एकाग्र करने के लिए कोई न कोई आलंबन लेना होता है, और वो आलंबन पवित्र आलंबन हो।
आलंबन भी अपवित्र हो सकता है, अपवित्र आलंबन में भी मन एकाग्र होता है, लेकिन अपवित्र आलंबन में जो मन एकाग्र हुआ है वह मन समाधि में प्रविष्ट नहीं हो सकता। एक व्यक्ति है, किसी लड़की से उसका प्रेम है और देखो जब उसका चिंतन करता है तब सब बात भूल जाता, वह एक कितना एकाग्र हो जाता है उसका मन, प्रेषी की याद में प्रेमी का मन अत्यंत एकाग्र हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, खाली उसी का ही ध्यान रहता है, एकाग्र तो है। कोई शिकारी बंदूक लेकर जंगल में गया शिकार की खोज में, एकदम निशाना साधता है, जब तक उसका मन एकाग्र नहीं होगा तब तक वो निशाना अपने लक्ष्य पर मार नहीं पाएगा, एकाग्र तो है मन, लेकिन ऐसा एकाग्र मन समाधि में प्रवेश नहीं हो सकता है। इसीलिए शुद्ध आलंबन की जरूरत है, जहाँ पर मन को रोका जा सके, जिसमें कोई मन विकारी ना हो, मलिन ना हो, ऐसे आलंबन की आवश्यकता है। तो प्रारंभिक काल में किसी आलंबन में अपने मन को रोकना ये ध्यान है, लेकिन ये सहज ध्यान नहीं है, क्योंकि आलंबन सहज नहीं होता, अपना स्वरूप नहीं होता, वो भी बाहर से ही आरोपित है। और जब मन उस आलंबन में रुक गया तब वहां से भी उसे ऊपर हटाकर निर्विचार जब किया जाता है तो वो दशा जो होती है वही सहज ध्यान की दशा होती है। सद्गुरु कबीर हम लोगों को आदेश देते, अपने श्रोताओं को आदेश देते हैं कि तुम सब सहज ध्यान में ही स्थित हो, सहज ध्यान तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य आत्मकल्याण, परमानंद, परमात्म तत्व, आत्म तत्व की प्राप्ति, यह है। लेकिन आत्मतत्व परमात्म तत्व की प्राप्ति क्या है, कहीं बाहर तो कुछ पाना थोड़े हैं, सारे विषय छूट गए, मन निर्विषय हो गया, शेष दो तत्व रह गया, वही आत्मतत्व परमात्म तत्व की प्राप्ति है, और इसमें ही परम शांति परमानंद का अनुभव हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं कि सहज ध्यान में ही रहो, गुरु के वचन समाई हो और गुरु के वचनों में अपने मन को लीन कर दो। गुरु का वचन क्या है, गुरु का वचन, गुरु का आदेश, गुरु के उपदेश, गुरु की शिक्षा। और गुरु की शिक्षा क्या है, संसार से उदास होकर भोगों की आसक्त वासना त्याग कर अपने आप की तरफ लौटना, अपने आप में स्थित होना, यही गुरु की मुख्य शिक्षा है, गुरु का मुख्य उपदेश है। और कह सकते हैं कि सहज ध्यान में रहना यही मानो गुरु के वचन में, गुरु के उपदेश में लीन होना है। जो कुछ गुरु उपदेश करते हैं व्यवहार की बात के संबंध में या साधना के संबंध में या वैराग्य के संबंध में, सबका एक ही उद्देश्य है, सहज ध्यान में जाना, आत्मस्थित होना। तो सहज ध्यान में रहना और गुरु के वचनों में अपने मन को लीन करना, दोनों एक ही बात है। जो सहज ध्यान में लीन होगा वह गुरु के उपदेश को मानेगा, मानेगा ही, और जो गुरु के उपदेश को मानेगा वह ध्यान समाधि साधना में डूबेगा डूबेगा। मेले सृष्टि चराचित राखहु रहु दृष्टि लव लाई हो, सृष्टि में मिले हुए अपने मन को, सृष्टि में विचरे हुए घूमते हुए अपने मन को एकाग्र करो, अपने वश में करो,
और जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको निरंतर सामने बनाए रखो, उसमें ही अपने मन को जोड़ करके रखो। मेली सृष्टि चरा चित राखो। साहब कहते हैं तुम्हारा चित सृष्टि में मिला हुआ है, दुनियादारी में मिला हुआ है, और चरा बिछरा हुआ है। हर समय मन कहाँ घूमता है? हर व्यक्ति का अपना अनुभव है कि हर व्यक्ति का मन संसार में ही घूमता है। संसार कह देने से सब कुछ आ जाता है, और उन्हीं में मन मिला हुआ है, उसका ही चिंतन हो रहा है। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां बाहर की तरफ खुली हुई हैं, और उन इंद्रियों से पांच विषयों का निरंतर उपभोग होता रहता है। इंद्रियां अपने अपने विषयों को बराबर ग्रहण करती रहती हैं, और जब विषयों का ग्रहण होता रहता है, उनके संस्कार बनते हैं, उनकी आसक्ति बनती है, फिर मन उनका ही चिंतन करता रहता है। कहीं अनुकूलता मानकर चिंतन करता है, कहीं प्रतिकूलता मानकर चिंतन करता है, किसी के प्रति राग मानकर चिंतन करता है, किसी के प्रति द्वेष मानकर चिंतन करता है। हर हालत में, चाहे राग के रूप में हो, चाहे द्वेष के रूप में हो, चाहे मोह के रूप में हो, चाहे बैर के रूप में हो, मन जो कुछ चिंतन करता है दुनिया का ही चिंतन होता है, दुनिया में ही डूबा रहता है, उसी में ही वह घूमता रहता है। दुनिया में घूमना छोड़कर आत्मा में रमना, ये कहाँ होता है? जो साधक होते हैं, जो अपने मन पर ध्यान देते हैं, वे ही ऐसा करते हैं। बाकी तो आम आदमी की ये समझ है कि हर समय कोई ना कोई रागात्मक चिंतन मन में चलते रहना, यही तो जीवन है। दुनिया की याद भूल जाएं, दुनिया का चिंतन करना छोड़ दें, तो जीवन क्या रहा है? तो फिर मुर्दा हो जाना होगा। अब कोई आदमी मुर्दा बनने के लिए तैयार नहीं होता, वह तो सदैव जीवित रहना चाहता है, लेकिन आज नहीं तो कल मुर्दा तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन शरीर के मुर्दा बन जाने से कुछ नहीं होने वाला है, उस दिन तो समय खत्म, काम नहीं बनेगा। जीते जी जब मन मुर्दा बन जाए, मन मुर्दा बनने का अर्थ है संसार में मिला हुआ है मन, उसमें से अपने आप को अलग कर ले। संसार में जो घूम रहा है मन, वहाँ घूमना बंद कर दे, विषय चिंतन बंद कर दे, ये मन का मरना होगा। और ऐसा हुए बिना आत्मा राम का, परमात्मा का, शिवत्व का, परम आनंद का अनुभव कोई नहीं कर सकता है। इसलिए साहब कहते हैं कि मेली सृष्टि चराचित राखो। तुम्हारा चित जो सृष्टि में मिला, दुनियादारी में, राग रंग में, संसारिकता में मिला हुआ है, और उसमें निरंतर घूम रहा है, उसे अपने बस में करो। राखो, राखो मतलब अपने पास रखो, अपने बस में करो। जब तक मन बस में नहीं होगा, तब तक आदमी दुख से, चिंता से बच नहीं सकता है। रहो दृष्टि लव लाई हो, और अपनी दृष्टि में सदैव लवलीन रहो। यहाँ दृष्टि का तात्पर्य खाली आँख से देखने से नहीं है, दृष्टि का अर्थ है लक्ष्य, उद्देश्य।
हम साधक हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, किस लिए हम साधना मार्ग में आए हैं, किस लिए सत्संग में जाते हैं, इस बात को समझना होगा। एक ही उद्देश्य है, आत्मकल्याण की प्राप्त या दुख की निवृत्ति। दुख की निवृत्ति और आत्मकल्याण की प्राप्ति अलग अलग नहीं है। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को भूल जाता है और उद्देश्य की दिशा में मेहनत नहीं करता, वो अपने उद्देश्य में सफल कैसे होगा। कभी मन यहाँ भागे, कभी वहाँ भागे, कभी आदमी कुछ करे, कभी कुछ करे, एक रास्ता जब नहीं है, निरंतरता नहीं है, तो उसमें सफलता नहीं हो सकती। साहब ने जो कहा है, जैसी लागी ओर की वैसी निभे छोर, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करो। जिस उत्साह से प्रारंभ में किसी काम में लगा जाता है, अंत तक वही उत्साह जब बना रहता है, तब उस काम में, उस दिशा में सफलता मिलती है। प्रारंभ में तो बहुत उत्साह और बस धीरे धीरे उत्साह घटता गया, तो सफलता कैसे मिलेगी। इसलिए गुरुजी कहा करते हैं, गधे के चिघालना जैसे ना हो। गधा शुरू में जब बोलता है तो जोर से बोलता है, और बस कुछ सेकंडों में धीरे धीरे आवाज धीरे धीरे धीमी होती होती बंद हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, एक रस। साहब कहते हैं, रहो दृष्टि लवलाई हो, अपने उद्देश्य में निरंतर अपने मन को लगाए रखो, उद्देश्य को निरंतर सामने बनाए रखो। उद्देश्य ही भूल जाएगा तो उस दिशा में चलना कैसे होगा, मेहनत कैसे होगा। कभी आलस्य और प्रमाद में न पड़ो, चलते रहें, उद्देश्य सामने बना रहे, तब आज नहीं तो कल वहां तक पहुंचना हो सकता है। उद्देश्य ही भूल गया, लक्ष्य क्या है इसका ही ज्ञान नहीं है, तो न उस दिशा में प्रगति होगी, न वहाँ तक पहुँचना होगा। जस दुख देख रहो यह अवसर, असुख हो ही है पाए हो। तो जितने साधक हैं, साधक का उद्देश्य है अपने मन को अपने बस में करना, अपने मन को निर्मल करना, संसारिकता से, राग रंग से ऊपर उठाकर आत्मस्थित हो जाना, ये साधक मात्र का उद्देश्य है। इस उद्देश्य में, दिशा में आगे बढ़ने में, साधना में परिश्रम करना पड़ता है, और परिश्रम में मन दुख मानता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जस दुख देख रहो यह अवसर, असुख होई है पाए हो। आत्मकल्याण की दिशा में लगने में, साधना करने में, परिश्रम करने में जिस प्रकार से आज तुम्हें दुख का अनुभव हो रहा है, तुम्हें दुख दिखाई पड़ रहा है, और तुम साधना से, परिश्रम से पिछड़ रहे हो, यदि आज के इस दुख को सहन कर लो, इस दुख से और परिश्रम से घबराओ ना, तो जब अपने उद्देश्य में सफल हो जाओगे, काम जब पूरा हो जाएगा, तब ऐसे ही तुम्हें अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी। किसी भी दिशा में परिश्रम करने में कष्ट का अनुभव होता है, इसलिए आदमी परिश्रम नहीं करना चाहता। वह बिना मेहनत किए, बिना किसी प्रकार का कष्ट सहन करे सफलता पाना चाहता है। तो ये कैसे होगा। भौतिक क्षेत्र में तो यह हो सकता है कि हम मेहनत ना करें तो हमारे लिए अन्य लोग भी काम कर सकते हैं। पैसा हमारे पास है, नौकर रख लिया हमने,
और नौकरों से खेती का काम करवा लिए, नौकरों से दुकान का काम करवा लिए, नौकर रख लिए या मजदूर रख लिए, मिस्त्री रख लिए, मकान बनवा लिए, भोजन बनवा लिए, सब कुछ कर सकते हैं। बाहर का बहुत सारा काम ऐसा है जिसमें हम स्वयं परिश्रम न करके औरों से परिश्रम करवा सकते हैं और लोग हमारे लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन साधना का काम, आध्यात्मिक दिशा में साधना का काम कोई दूसरा हमारे लिए नहीं कर सकता, हमें यह स्वयं ही करना होगा। और साधना ही नहीं, भौतिक और व्यावहारिक क्षेत्र में कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें स्वयं हमें ही करना पड़ेगा, बड़े से बड़े आदमी को ही स्वयं ही करना पड़ेगा। आप पैसा देकर नौकर रख लिए और नौकर रख करके रसोईया रख कर उसे भोजन बनवा लिए, आप सोचे कि मुझे भोजन नहीं बनाना है, इसमें बड़ा परिश्रम है, बड़ी मेहनत है, आपने रसोईया रख लिया, रसोईया भोजन बनवा दिया, तो आप ऐसा भी क्या कर सकते हैं कि पैसा देकर एक आदमी को नौकर रख लिया, भैया मुझे भोजन करने में मेहनत पड़ेगी, मुँह चलाना पड़ेगा, जीभ चलाना पड़ेगा, पैसा लो और मेरे लिए खाया करो, ये तो नहीं चलेगा। जैसे स्वयं ही भोजन करना पड़ेगा तब हमारा पेट भरेगा, स्वयं ही सोना पड़ेगा तब हमारी नींद पूरी होगी, स्वयं ही दवाई खानी होगी तब हमारा रोग दूर होगा। कितना प्रिय से प्रिय क्यों ना हो, कितना निकट से निकट, कितना आत्मीय व्यक्ति क्यों ना हो, पति पत्नी का संबंध अत्यंत निकट का संबंध माना जाता है, इससे अधिक निकट का संबंध और कुछ नहीं माना जाता है संसार में। पति बीमार है, पत्नी कहे तुम मेरे ही हो, हम लोग अर्धांग अर्धांगनी है, दवाई मैं खा लेती हूँ, तुम ठीक हो जाओ, कहाँ तुम दवाई खाओगे, तो क्या पति का रोग दूर थोड़े हो जाएगा, स्वयं ही दवाई खानी पड़ेगी। तो जब व्यवहार में भौतिक क्षेत्र में ऐसा है कि स्वयं भोजन करने से भूख दूर होती है, स्वयं सोने से नींद दूर होती है, स्वयं दवाई खाने से रोग दूर होता है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में यह कैसे हो सकता है कि हमारे लिए दूसरा व्यक्ति साधना कर दे और हमारा मनोरोग, हमारी मनोव्याधि दूर हो जाए, हमारा भवबंधन कट जाए। स्वयं को ही साधना करनी पड़ेगी, स्वयं को ही परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम में मेहनत है, कष्ट है, इसलिए आदमी परिश्रम से घबराता है। छोटे बच्चों को शुरू शुरू में पढ़ने में कितना कष्ट का अनुभव होता है, छोटे बच्चों को स्कूल जाना जेल खाना से भी ज़्यादा कष्टदायी है, और छोटे बच्चों के लिए अध्यापक और यमराज दोनों बराबर है, लेकिन उस पढ़ाई में जो कष्ट है उस कष्ट को सहन कर लिया जाए और धीरे धीरे जब विद्या पढ़ने लग गया, अब विद्या प्राप्त कर लिया, तो उसका सुख तो वही अनुभव करेगा ना। कैसे किसी भी दिशा में हो, हर दिशा में परिश्रम करने में दुख का अनुभव होता है और आदमी उससे घबराता है, दुख से बचना चाहता है। साहब कहते हैं जस दुख देख रहो यह अवसर असुख होई है पाए हो। आज साधना करने में परिश्रम करने में जैसे तुम्हें कष्ट का अनुभव हो रहा है, तुम दुख मान रहे हो और साधना से परिश्रम से पिछड़ रहे हो, तो ये ध्यान रखो, यदि साधना और परिश्रम के कष्ट को सहन कर लो, उससे पिछड़ो ना, तो जब तुम्हारी साधना पूरी होगी, तुम्हारा परिश्रम पूरा होगा, सफलता मिलेगी, तो जैसे तुम्हें आज दुख मिल रहा है ऐसे ही इससे भी कई गुना सुख का अनुभव उस समय तुम्हें होगा। सफलता तो सुख का कारण है ही, लेकिन व्यक्ति सफलता में आनंद तो मानता ही है, लेकिन जो व्यक्ति परिश्रम में आनंद मानता है
उस व्यक्ति को सफलता जल्दी मिलती है। और जिसे परिश्रम में, मेहनत में आनंद नहीं है, उस व्यक्ति को सफलता नहीं मिल सकती है। परिश्रम करने में, साधना करने में, मेहनत करने में यदि हमारे मन में आनंद है तो परिश्रम करते हुए भी थकान का अनुभव नहीं होगा और सफलता जल्दी मिलेगी। अब परिश्रम में यदि आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है, परिश्रम में दुख है, तो शरीर और मन दोनों बहुत जल्दी थकेंगे। आदमी काम से उबेगा, बीच में ही काम छोड़ देगा, परिणाम या तो सफलता मिलेगी नहीं, या मिलेगी तो बहुत देर से मिलेगी। और शुरू में यदि हम परिश्रम में आनंद मान ले तो सफलता जल्दी मिलेगी। इसलिए सफलता तो आनंददायी है ही, हर दिशा के साधक के लिए परिश्रम भी आनंददायी होना चाहिए। जो खुटकार वेग नहीं लागे, हृदय निवार हो कोहू हो। सदगुरु कबीर कहते हैं, यदि तुम्हारे मन में खुटका नहीं लगे, चिंता नहीं है कि साधना मार्ग में मैं जल्दी बढ़ूं, साधना मार्ग में तेजी से आगे बढ़ूं, मन को रोकने में, मन को बस करने में, साधना में परिश्रम करने में, साधना सफलता पाने में तुम्हारे मन में चिंता नहीं होती है, उसके लिए कोई मन में उद्रेक नहीं होता, कोई भावना नहीं जगती, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा मन मलिन है, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है, तुम्हारा मन और अंतःकरण विकारों से घिरा हुआ है। इसलिए हृदय निवारो कोहू हो, तुम अपने हृदय में, मन अंतःकरण में रहे हुए जो विकार हैं उनका निवारण करो। कोहू, कोहू से अर्थ है क्रोध, और यहाँ क्रोध से तात्पर्य केवल क्रोध से ही नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष मद मर्ता ईर्षा जितने मनोविकार हैं सबका अर्थ है। जितना ही हमारे मन में विकार होता है, मन जितना विकारग्रस्त होता है, विकारी होता है, विषय चिंतन में डूबा रहता है, उतना ही हमारे मन में साधना के लिए लापरवाही होती, क्योंकि मन तो एक है, या तो विषय चिंतन में डूबेगा, या तो आत्मचिंतन में डूबेगा, या तो काम चिंतन में डूबेगा, या राम चिंतन में डूबेगा, या तो राग रंग में डूबेगा, या फिर त्याग साधना में डूबेगा। तो साहब कहते हैं, तुम स्वयं सोचो, अपने आप को देखो, तुम्हारे मन में साधना में आगे बढ़ने में, आत्मकल्याण दिशा में आगे बढ़ने में, मन को रोकने में, या कहना चाहिए त्याग तब साधना करने में, इसके लिए चिंता है या नहीं है, उत्साह साहस श्रद्धा है या नहीं है। और यदि साधना करने में उत्साह नहीं है, श्रद्धा नहीं है, इसके लिए कोई चिंता ही नहीं होती है कि मैं अपने मन के विकारों को दूर करूं, इसका मतलब यह है तुम्हारा मन संसार में डूबा हुआ है, विकारों में डूबा हुआ है, राग रंग में डूबा हुआ है। और मन को विकारग्रस्त बनाए रखकर कभी भी तुम किसी साधना में सफल नहीं हो सकते हो। इसलिए हृदय निवार को हो, अपने मनोविकारों का त्याग करो, निर्विकार मन ही साधना में प्रविष्ट होता है और उसे ही साधना में सफलता मिलती है। जितना मन विकारग्रस्त होगा उतना ही हमारा मन आलसी होगा, साधना से घबराएगा। और जब उद्देश्य यही है कि मन को निर्विकार बनाना, तो भी साधना से घबराने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मुक्ति की डोरी गाढ़ी जनी खेचहु,
तब बजहें बड़ रोहू हो। लेकिन साहब सावधान भी करते हैं और कहते हैं कि मुक्ति की डोरी को जल्दी से मत खींचो, उतावला पना मत करो, धीरे धीरे खींचो, तब बड़ी मछली तुम्हारे जाल में फंसेगी। मछुआरा जाल लेकर मछली मारने के लिए जलाशय में जाता है, जाल डालता है, चारा डालता है, तो बड़ी मछलियाँ तभी जाल में फंसती हैं जब मछुआरा जाल को धीरे धीरे खींचता है, एकदम आहिस्ता आहिस्ता। जोर से खींचे तो मछलियाँ चौंक करके भाग जाएंगी, धीरे धीरे खींचने पर मछलियाँ जान भी नहीं पाती, लापरवाह रहती हैं और उस जाल में फंस जाती हैं। ये तो उदाहरण दिया था हमने। साहब कहते इसी प्रकार साधना में उतावलापना मत करो, दिखा जल्दीबाजी ना करो। ऐसा नहीं है कि बस जल्दीबाजी करने से तुम मन को अपने वश में कर सको। अनादिकाल का विषय वासनाओं का अभ्यस्त मन उतावलापना करने से, जल्दीबाजी करने से वश में नहीं होगा। इसका जो अभ्यास है अनादिकाल का, यह तो उसी तरफ बार बार दौड़ेगा, उसके लिए धैर्यपूर्वक साधना करनी पड़ेगी। साधना में उतावलापना काम नहीं आता है। साधना सदैव मंथर गति से चलती है। भोग में उतावलापना हो सकता है, तपस्या में भी उतावलापना हो सकता है, लेकिन साधना में उतावलापना काम देगा ही नहीं। और साधक का काम भोग और भड़काऊ तपस्या, इन दोनों के बीच का रास्ता है। तपस्या आप कर सकते हैं, नंगे रह लिए, मौन साध लिए, महीना महीना आप उपास कर सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, खुले आसमान में रह सकते हैं, इसमें दिखावा हो सकता है, उत्कर्षता इसमें होती है, लेकिन साधना का पथ इससे दूसरा है। एक तरफ भोग, एक तरफ भयंकर तप। संसार में तो चारों तरफ भोग की आंधी चल रही है, उससे अपने को बचाना है, लेकिन दूसरी तरफ त्याग मार्ग में भयंकर तप अति यहाँ भी है। तो ये अति तप, शरीर को कष्ट देना, इससे काम नहीं बनेगा। ये सोचे कि हम शरीर को जितना कष्ट देंगे, जितना पीड़ित करेंगे, उतना जल्दी हमारा मन हमारे बस में होगा, भूल है। शरीर को कष्ट दे करके, काया कष्ट करके लौकिक प्रतिष्ठा मिल सकती है, लेकिन मन बस में हो जाए कोई जरूरी नहीं है। उसके लिए तो धीरे धीरे साधना करनी पड़ेगी। मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। भोगी व्यक्ति सादा शक्ति के चक्कर में पड़कर ठूस ठूस कर खा लेता है गले तक, और तपस्वी व्यक्ति सप्ताह भर, 15 दिन, महीना भर तक खाता ही नहीं है। साधक खाता तो है, लेकिन स्वाद के चक्कर में पड़कर नहीं खाता, रोज खाता है, संतुलित मात्रा में खाता है।
जो आ गया शरीर की प्रकृति के अनुकूल उचित मात्रा में संतुलित रह करके और अनासक्त होकर के खा लिया, इसमें ही कठिनाई पड़ती है। ठान लिए नहीं खाना है आज, हट है कर लिए नहीं खाए, सादा शक्ति है, अनुकूल चीज आई, मिठाई आई या अनुकूल सब्जी आई, लोभ में पड़कर ज़्यादा खा लिए, ये दोनों में सरलता है। लेकिन अनुकूल चीज होते हुए भी उतना ही खाना जितने शरीर के लिए आवश्यक है, इसमें ही तो कठिनाई है, यही साधना है। और ये साधना जीवन पर्यंत चल सकती है। लोभ में पड़कर आदमी ज़्यादा खा लेता है, रोज अधिक अधिक खाता रहो, क्या हुआ, कुछ दिन बाद बीमार पड़ेगा, फिर ज़्यादा खाना स्वयं छोड़ना पड़ेगा। आप हट कर लिए नहीं खाएंगे, कितने दिन तक हट करोगे, अंत में तो खाना ही पड़ेगा। तो दोनों अति है, भोगी व्यक्ति को अंत में मन मार करके छोड़ना पड़ेगा, त्यागी व्यक्ति को शरीर में जब आवश्यकता पड़ेगी तो महीना भर बाद खाना ही पड़ेगा, नहीं तो शरीर बेकाम हो जाएगा, फिर उससे न तो तपस्या होगी ना साधना होगी, कुछ नहीं होगा। इसलिए संतुलन, उतना खाएं जितने शरीर के लिए आवश्यक है, ये साधना है। त्यागी व्यक्ति कपड़ा पहनता ही नहीं है, नंगा रहता है। भोगी व्यक्ति फैशन के चक्कर में पड़कर कितने कपड़े के पीछे दीवाना बना रहता है। साधक का काम है शरीर ढकने के लिए, जब जैसा मिल गया वैसा कपड़ा पहन लिए, उसमें भी कोई आसक्ति नहीं है। ऐसे ही और तो यहाँ साहब का कहना है कि मुक्ति की डोरी गाढ़ी जनी खींचो, मुक्ति की डोरी को जोर से मत खींचो, उतावलापना मत करो, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। ये कहा गया है योग दर्शन में कि तीव्र संवेगानाम आसन्ना, जिनके मन में तीव्र संवेग होता है, जिसकी गति तेज होती है, वह जल्दी ही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ये ठीक है कि जिनमें तीव्र गति होती है जल्दी तक मंजिल पर पहुंचता है, लेकिन अपने को सोचना पड़ेगा कि हम तेज गति से चल सकते हैं या धीमी गति से चल सकते हैं। जो व्यक्ति दौड़ेगा और यह व्यक्ति कहीं जल्दी पहुंच सकता है, लेकिन वह दौड़ना भी किस काम का, जिसमें एक घंटा तो तेजी से दौड़ लिए और दौड़ करके थक करके 6 घंटा के लिए बैठ गए। चलो निरंतर चलते रहो, धीरे धीरे चलो। दौड़ने वाला व्यक्ति हमेशा नहीं दौड़ सकता है, जल्दी थकेगा, उसे रुकना पड़ेगा। जो व्यक्ति बैठा हुआ है वह कहीं पहुंच नहीं सकता है, लेकिन जो व्यक्ति चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, रुकता नहीं बीच में, तो धीरे धीरे चलने से शरीर में थकावट भी नहीं आएगी, आगे वो बढ़ता जाएगा तो अपने मंजिल तक वो पहुंच जाएगा। देखना यह है कि हमारी स्थिति क्या है, हम तेजी से चल सकते हैं या धीरे से चल सकते हैं। चलते रहें, बीच में रुकें ना, उतावला पना करके एक बारगी तो काम नहीं बनेगा। इसमें भी साहब ने उदाहरण दिया है बड़ा, और बार प्रवचन भी साहब कहते रहते हैं, ना संगन उदाहरण देते रहते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ जिसे कहा जाता है साहब शरीर में भारी भारी बना रहता है, थकावट रहती है और भूख नहीं लगती, कब जब बना रहता, कहते भी शरीर कुछ मेहनत क्या करो, ना मेहनत करने का अवसर है तो व्यायाम करो, करे सोच के चलो व्यायाम कर ले, तो व्यायाम किए एक दिन, अब व्यायाम करने से शरीर में दर्द हो गया हाथ पैर में, तो क्या करते हैं वो दो चार दिन बाद व्यायाम करना बंद कर दिए। अब 2-4 दिन व्यायाम करना बंद किए, जब हाथ पैर में दर्द बंद हुआ, सप्ताह भर बाद फिर व्यायाम शुरू किए तो फिर वही दर्द, तो फिर शरीर में दर्द हो रहा है, फिर व्यायाम बंद कर दिए, अब फिर दर्द हुआ तो फिर व्यायाम शुरू किए तो फिर दर्द, ये तो चलता रहेगा जीवन भर ऐसे हैं। दर्द हो रहा है
उसी में व्यायाम चालू रखो तो 2 साल में दर्द अपने आप बंद हो जाएगा, फिर जिंदगी भर दर्द नहीं होगा। अब दर्द कर रहे थे व्यायाम बंद करके महीना भर 2 महीना बाद फिर व्यायाम शुरू करोगे तो ऐसे सफलता थोड़े मिलेगी। और बल्कि ऐसा करना कि 2-4 दिन व्यायाम किए, 2-4 दिन व्यायाम छोड़ दिए, 2-4 दिन व्यायाम फिर किए, 2-4 दिन व्यायाम फिर छोड़ दिए, तो ऐसा व्यायाम करना शरीर के लिए लाभदायी नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसानदेह है। इसलिए वो कहावत कही गई है, दूजे तीजे डन करे राम न मारे अपने मारे। रोज व्यायाम करो, फिर वो शरीर के लिए लाभदायी होगा, दर्द भी मिट जाएगा। खास बात यहाँ का यह है, उतावलापन से काम नहीं बनने वाला है, धैर्य पूर्वक धीरे धीरे ही सही निरंतर आगे बढ़ते रहोगे तब तुम्हें अपने मन पर विजय मिल जाएगी। मन पर विजय, मन पर स्वस्थता, यही तो साधना है, यही हर साधक का काम है। के लिए आवश्यक है निरंतर सेवा, स्वाध्याय, भक्ति, सत्संग, एकांत सेवन, आत्मचिंतन, ध्यान। जब निरंतर इसमें मन रहेगा, यदि सेवा में मन नहीं है, सेवा से मन घबराता है, स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, तब तो फिर प्रगति होने की कोई बात ही नहीं है। सेवा स्वाध्याय में जिसका मन लगेगा उसका मन ही साधना में लगेगा। और जो सेवा स्वाध्याय से घबराता है और सोचता है कि इकट्ठा हम आत्म स्थिति तक पहुँच जाए, सहज ध्यान में पहुँच जाएं, वो कभी संभव नहीं हो सकता है। कूद करके छत पर पहुँचना ये संभव कैसे है? सीढ़ी दर सीढ़ी ही बढ़ना हो सकता है। स्वाध्याय में मन नहीं है, सेवा में मन नहीं है, भक्ति में मन नहीं है, एकांत सेवन में मन नहीं है, और सोचे कि हम आत्मस्थिति कर लें, भीड़ भाड़ में जो बराबर बने रहना चाहता है, आलसपूर्वक बैठे रहना चाहता है, वो क्या करेगा? कहा गया है जे कम्मे सुरा ते धम्मे सुरा, जो सेवा में सुरवीर है, कर्तव्य परायण है, वही धर्म में साधना में भी सुरवीर हो सकता है। आलसी व्यक्ति है, सेवा से जी चुराता है, वो साधना से भी जी चुराएगा, भले वो बैठा रहे आंख मूंद करके कि हम साधना कर रहे हैं। साधना वाधना कुछ नहीं होता है, क्या है, मनोविलास में फिर वो डूबा रहेगा। सेवा से स्वाध्याय से मन निर्मल होता है, पवित्र होता है। मन के विकारों को दूर करके मन को निर्मल बनाने के लिए सेवा सर्वोत्तम साधन है। और इस साधन में मन नहीं है तो मन निर्मल हो जाएगा, इस भूल भुलैया में रहने की जरूरत नहीं है, इस भूल भुलैया से अपने को हटाना पड़ेगा। तो निरंतर धैर्यपूर्वक जो सेवा में, स्वाध्याय में, भक्ति में, सत्संग में और एकांत सेवन में, आत्मचिंतन में लगा रहता है, साहब कहते हैं तब बड़ी मछली तुम्हारा ये मन तुम्हारे बस में होगा और तुम आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ सकोगे। और ये सब में मन नहीं लगता है तो काम नहीं बनेगा। ये सोच लीजिए, अरे सत्संग में क्या बैठना है, आखिर वही वही बात तो रोज बताई जाती है, तो बात एक बार जान लिए हैं, अब तो केवल एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन करना है, ध्यान लगाना है। गुरु ने बता दिया कि जड़ अलग है, चेतन अलग है, अब इससे अधिक और क्या बात बताई जाएगी? जड़ और चेतन से अलग, जड़ चेतन के भेद बताया जाएगा? अब गुरु ने एक बार बता दिया है जड़ और चेतन अलग अलग हैं,
तो सत्संग में कहाँ बैठना है, क्या करेंगे सत्संग में बैठ करके? इसका मतलब यह है कि मन सांसारिकता में डूबा हुआ है, मन अभी राग रंग में विषय चिंतन में वासनाओं में डूबा हुआ है, इसलिए सत्संग में प्रेम घट गया है। नित्य सत्संग करने की जरूरत है, रोज रोज उसमें नई नई युक्तियाँ सुनने को मिलती हैं। कैसे कैसे प्रमाद आता है, कैसे आलस्य आता है, कैसे असावधानी होती है, इन सब से बचने की युक्ति मिलती है। कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे मन पर विजय पाने के लिए क्या साधना करनी चाहिए, इसके लिए साहस मिलता है। तो इसलिए भी रोज़ सत्संग की ज़रूरत है। तो जब रोज़ सेवा में, स्वाध्याय में, सत्संग में मन लगा रहेगा और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ता रहेगा, साहब कहते हैं तब मन स्वस्थ होगा। इसलिए साहब कहते हैं उतावलापना मत करो, दिखावा मत करो, जल्दीबाजी मत करो, धीरे धीरे निरंतर बढ़ते चलो। निरंतर बढ़ते बढ़ते ही एक दिन मन पर स्वस्थता प्राप्त होगी।